और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं डी फोकस टीवी न्यूज। गोय बराज परियोजना की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच को लेकर और अपने मुआवजा को लेकर चंदन कैरी प्रखंड के बरकमा ग्राम निवासी नंदलाल माथा ने अपने ही जमीन पर अमरण अनशन को लेकर बैठ गए हैं। देखिए इनका कहना है कि जो गोय बराज परियोजना का निर्माण कार्य हुआ है उसके उच्च स्तरीय जांच को लेकर और अपने जमीन के मुआवजा नहीं मिलने के कारण अपने जमीन पर अमरण अनशन में बैठे हैं। चलिए इनसे हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आप अमरण अनशन में बैठे हैं, क्या कारण है, उसमें गुणवत्ता में क्या कमी है और आप क्या चाह रहे हैं। चलिए नंदलाल माता जी मेरे सामने इनसे जुड़ते हैं और इनसे जुड़ के हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो नहर परियोजना का काम जो पिंडराजोरा से लेकर चंदन कैर तक हुई है, इसमें गुणवत्ता की भारी घोर कमी है। कहीं पर सीमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय जांच की जाए। सर आप अमरण अनशन में बैठे हैं सर, और क्या मांग है आपका? अपने जमीन का मुआवजा की मांग किए हैं एवं और रैयतों का जमीन का मुआवजा चाहिए। अपने जमीन का और TPL के जो कर्मचारी अजीत सिंह हैं उनका ही भारी तानाशाही रवैया है। कैसे सर, क्या हुआ अजीत सिंह? अजीत सिंह कमज़ोर व्यक्तियों को तरजीह नहीं देते हैं। सर आप कमज़ोर वर्ग में आते हैं सर, कमज़ोर व्यक्ति में हैं। मेरा थोड़ा सा ज़मीन है, मैंने ज़मीन में मेरा जब काम चला तो मैंने कहा कि इसका पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए हमको, तभी काम होगा। सर का ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ था? नहीं, ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। ज़मीन अधिग्रहण का कॉपी हम मैंने अंचल अधिकारी से मांग भी किए हैं लेकिन अभी तक मुझे दिया नहीं गया। आपने अपने मुआवजे की मांग को लेकर संबंधित विभाग को या तो जिला प्रशासन के अधिकारी को प्रखंड स्तर से आप मांग किए थे सर? पहले हम अंचल अधिकारी को मांग किए हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मुझे अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है अंचल अधिकारी का कि आपका अपना रैयती ज़मीन है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आप अपना ज़मीन पर फिर उसके बाद और किसी से नहीं बात की है कि हमारा ज़मीन का मुआवजा दिया गया उसके बाद कम किया गया यहाँ पर? मैं तो जानता हूँ कि हमारे यहाँ CO साहब हैं, उन्हीं से बात करता हूँ, तो उनसे उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास हम नहीं गए हैं। सर आपको एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, अजीत सिंह कहते थे कि वो ऑडियो भी उनको भेजे हैं, बोला कि सर नहीं हमको काम उनका हम काम कर रहे थे तो हमको पैसा का डिमांड कर रहा था, पैसा दे नहीं पाए उनको तो बोल रहा था कि नहीं आप काम मत करो। मेरे जमीन और मेरे लोगों का उनका जो जिससे भी का ड्राइवर था सर बोला था उनसे भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। उनसे दुर्व्यवहार हम नहीं किए हैं, दुर्व्यवहार तो मुझसे किया गया है। और पैसे की जो बात है, वो मुआवजा बोले या पैसा बोले, हम अपने ज़मीन में तो डिमांड करेंगे। मतलब सर आप उनसे कोई मेरा 5 लाख का ज़मीन जा रहा है वो मुझे क्या पैसा देंगे, क्या मुआवजा देंगे? मतलब आप उनसे कोई इस तरह पैसा नहीं मांग रहे थे? अपना जमीन पे जो जमीन का जो हक है जमीन का जो हक है वो हम डिमांड किए हैं। सर आप अमरण अनशन में बैठे तो उससे पहले सबको सूचित किए थे? हाँ, सबको सूचित किए हुए हैं। अभी तक कोई सर आपका जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं क्या? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी जायजा लेने नहीं पहुँचे हैं। तो सर आप फिर क्या करिएगा, कोई जायजा लेने नहीं पहुँचे, उस स्तरीय जांच नहीं होता है, आपका जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाते हैं, तो फिर सर आप क्या करेंगे? अमरण अनशन में बैठे हैं सर, अमरण अनशन समझ रहे हैं सर आप? ठीक है, हम अंतिम सांस लेंगे। आप ये निर्णय कर चुके हैं सर कि नहीं होगा तो फिर आपको? हम निर्णय कर चुके हैं, हम अंतिम सांस लेंगे सर। और एक चीज, आप यहाँ पर बैठ गए हैं सर, आपको मुआवजा नहीं मिले सर, सरकार बोला कि नहीं आपको, सरकार के अधिकारी भी नहीं आए सर, आप अंतिम सांस लेने को तैयार है सर? आप इतना हिम्मत कर गए सर काम के, और जो ग्रामीण है सर आपका और लोगों का जमीन गया क्या सर, आपका उनका सहयोग मिल रहा है सर? जी, हमारे यहाँ बहुत ग्रामीणों का जमीन गया है और हमारे साथ हैं सर, आपके साथ हैं सर, लेकिन आप अकेले अमरण अनशन कर रहे हैं। अकेले किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में नेतृत्वकर्ता एक ही आदमी होते हैं, सभी नहीं होते, सब अनशन में नहीं बैठे हुए हैं लेकिन सभी हमारे साथ हैं। सर काम की जो गुणवत्ता का बात कर रहे हैं सर, आपको लग रहा है कि कहीं क्वान्टिटी या क्वालिटी में कमी है? क्वान्टिटी मतलब न बालू दिया जा रहा है न सीमेंट दिया जा रहा है, इसमें तो घोर अनियमितता है। तो सर संबंधित विभाग के अभियंता का बात करें, जेई का बात करें, या सर क्या सर काम के स्तर पर रूम नहीं रहते? ठीक है, हम जब अनशन में बैठे हुए हैं, ये जो है घोर अनियमितता की बात, जांच की बात, मतलब बिना उच्च स्तरीय जांच और आपके मुआवजे के बिना आप यहाँ पर
अमरण अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं, नहीं तोड़ने वाले हैं। जी सर, अपना आप मतलब कि फैसला सर कर देंगे, हम अपना फैसला कर तो देखिए। नंदलाल माधव जी हैं बड़े बेखूबी के साथ कह रहे हैं कि नहीं, हमको अगर उच्च स्तरीय जांच नहीं होता है वाइपराज परियोजना की, नहर जो निर्माण हो रहा है उसका जांच नहीं होता है, अगर हमको मुआवजा नहीं मिल पाते हैं तो हम किसी भी कीमत पर किसी पर धमकी से हम यहाँ पर अमरण अनशन जो है तोड़ने वाले नहीं हैं। हमको जब न्याय मिलेंगे तभी हम कुछ यहाँ से अमरण अनशन को समाप्त करेंगे, बिना न्याय में हम अंतिम सांस लेने को हम तैयार हैं। मेरा सुनना मजीद हुआ सर, आप कितनी कंस्ट्रक्शन के किस कार्य पद में हैं सर? हम त्रिवेणी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद सर। बरकामा गांव में नंदलाल माथा अपने जमीन पर मुआवजा की मांग और उच्च स्तरीय जांच को लेकर सर अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो सर उसमें आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, इस जमीन का मुआवजा 1972 में से लेकर 1974 तक इसका अधिग्रहण हो चुका है, झारखंड सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर चुका गया है। ये नहर पूर्व से निर्गत भी है, ये नहर आपको बहुत पहले अर्धन के नाम बना हुआ है। मेरा जो काम है वो केवल लाइनिंग का काम है, पुराना नहर को ढलाई करके नए सिरे से केवल बनाना है, पुराना नहर को ही हम बनाए। तो जब अधिग्रहण नहीं हुआ तो ये पुराना नहर बना कैसे है, क्योंकि इनका कहना है कि हम मेरा जमीन है। तो मट्टी का काम हुआ, मट्टी का नहर बना, पहले से नहर बना, उस समय ये लोग क्यों नहीं इसको ऑब्जेक्शन किया? और आज के डेट में लोग ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जमीन अधिग्रहित नहीं है, अधिग्रहित नहीं है तो पूर्व से नहर बना हुआ है। बस यही चीज़, हम नया सिरे से ढलाई क्यों कर रहे हैं, नहर नहीं बना रहे हैं, नहर को नए सिरे से क्यों लाइनिंग कर रहे हैं, जो कि पहले आगे भी जो हम नहीं काम किए हैं वहाँ आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पूर्व से नहर निर्गत बना हुआ है। सर, और एक सी उनका आरोप था कि आप पर कि नहीं हमसे दुर्व्यवहार किए हैं, वो आए थे यहाँ हमारे साइट पर और हमसे दुर्व्यवहार किया। सर, आप इस पर क्या कहेंगे, हमसे दुर्व्यवहार किए हैं क्या? नहीं, मेरे द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, उनके द्वारा मेरा जेसीबी ऑपरेटर को पत्थर उठा के जेसीबी ऑपरेटर को मारने की कोशिश की गई, जिसके पास मेरे पास साक्ष्य भी है, मेरे पास उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो मेरा ऑपरेटर को जैसे ही मशीन का ऑपरेटर काम करने गया, वो ऑपरेटर को पत्थर उठा के मारने लगे। फिर ऑपरेटर को हम जाके ऑपरेटर को मना किया कि ऑपरेटर को वहाँ झगड़ा झंझट करने से हटाया वहाँ से, उनके द्वारा मेरे ऑपरेटर को मारपीट करने के किया गया, गाली गलौज किया गया, मेरे द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया उनसे। सर, वो आप पर आरोप लगा रहा है। नहीं, आरोप लगा रहे, आरोप लगाने के लिए तुम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि वो जो मेरा स्टाफ वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है, मेरे पास साक्ष्य है जिसमें वो पत्थर उठाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सर, वो उच्च स्तर की जो जांच की मांग कर रहे हैं सर, तो क्या आपको क्या लग रहा है सर, अब काम में कहीं त्रुटि तो हुआ क्या सर? नहीं, देखिए, यहाँ जो भी काम होता है, हमारा प्लांट है, प्लांट से माल जाता है और उसका हर माल का विभाग यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल हजारीबाग है, इसका आके क्यूब कास्ट करता है, इसे कास्टिंग होने के बाद ही यहाँ से प्लांट से मिरर जाता है और उसका ढलाई होता है। कहीं भी हम लोग को जो भी होगा इसका विभाग आता है, डेली आता है, इसको जांच करता है, इसके बाद ही हम लोग ढलाई करते हैं, इसका उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कोई कमी नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है सर, अमरण अनशन में है तो क्या सर, अब उनको उच्च स्तरीय जांच या तो मुआवजा मिलने की उम्मीद है क्या सर, आपको क्या लग रहा है सर? आप नहीं देखिए, वो उच्च स्तरीय जांच करने की बात है तो वो उच्च स्तरीय जांच उनको विभाग को भी लिख के दिए हैं, वो पर लिख के दिए हैं, वो तो मैटर है उनका, चीज़ है उसमें भी है, लेकिन बात यह कि मुआवजा का तो गवर्नमेंट को देना है, हम तो काम करने के लिए, ढलाई करने के लिए हम कॉन्ट्रेक्टर हैं, हम तो उनको मुआवजा नहीं दे सकते। आप मुआवजा के दायरे में नहीं आते सर? नहीं। और क्या कीजिएगा, अनशन में जो बैठे हुए हैं, उन अनशन में गए हुए तो अनशन में जिसे वो उनको देना है तो उसके लिए हम अपना भी अपने स्तर से भी विभाग को लिख के सबको लिख के दे दिए हैं, सब तरह से अपना जो है, हम भी जो मेरे पास उन रिकॉर्डिंग है, जो पैसा मांगे हैं उनका रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य है, सच्ची सब चीज़ है, उसका हम भी अपना सबको दे चुके हैं। सर, उन्होंने कहा रहा था कि नहीं, हमने अपनी मुआवजा की पैसा मांगे हैं, हम उनसे कोई इस तरह के पैसा नहीं पैसा का डिमांड किया है। तो मुआवजा के लिए जब अधिग्रहण एक बार हो चुका है तो हम कॉन्ट्रेक्टर हैं, तो मुआवजा का मांग विभाग सरकार देगी, हम मुआवजा देने के लिए हमसे क्यों मुआवजा वो मांगेंगे? मुआवजा तो सरकार देने वाली है, वो तो झारखंड सरकार देगी, तो वो मुआवजा की बात है, तो मुआवजा का तो पहले से अधिग्रहण हो चुका है, मुआवजा की कोई बात नहीं थी, मुआवजा की बात थी तो मुआवजा उनको पहले से बोला गया, जो भी पैसा नहीं लिया है उनका पैसा ट्रेजरी में जमा हुआ, अपना जगह स्वतंत्र होकर ले सकते हैं।